सितारगंज के पावर हाउस के एक कर्मचारी के साथ स्थानीय पुलिस द्वारा की गई अभद्रता व गाली गलौज का मामला सामने आया है, जिसके बाद सितारगंज पावर हाउस के समस्त कर्मचारियों ने पुलिस की दबंगाई के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पीड़ित कर्मचारी एसएसओ गुलाब राय ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि लगातार सितारगंज क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस की सप्लाई भी रात 3:30 बजे बंद की गई। उसके बाद सुबह 5 बजे कुछ पुलिसकर्मी आए और कर्मचारी गुलाब राय के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने लगे, जिस पर कर्मचारी गुलाब राय सहम गया और तत्पश्चात उसने अपने सीनियर उपखंड अधिकारी अनुज त्रिपाठी को फोन किया और पूरे घटनाक्रम को बताया, जिसके बाद विद्युत वितरण के कर्मचारियों ने काम छोड़ धरने पर बैठ गए। हम हर एरिया में लाइट देने की व्यवस्था बनाए रखते हैं, तो टाउन नंबर 1 की सप्लाई बाधित होने की वजह से, बाधित क्या मतलब बंद करने की वजह से यहाँ पे थाने में लाइट नहीं आ रही थी, तो उनके द्वारा यहाँ आए। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्या रीज़न है जिस वजह से थाने में लाइट नहीं आ रही है, या आपने कोई बात कहे थे और इनसे पूछते उसका रीज़न, सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनको ये लगा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, पहले की कोई घटना हो गई होगी, मतलब हमारे कर्मचारी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि क्या, एकदम डर गया, सहम गया, बल्कि उल्टा ही माफ़ी मांगने लगा कि सर गलती हो गई, माफ़ कर दो हमको। उसके बाद उन्होंने लगभग 10-15 मिनट तक इनको टॉर्चर किया और उसके बाद वो लोग चले गए।